जाबिर हुसैन, श्वास बलोच और मोहसिन नवाज कहने को तीन नाम है, लेकिन ये तीन शख्सियात सब्र, ईमान, शुक्र, कनात और उम्मीद की दौलत से मालामाल है। ये ऐसी रोशनी फैला रहे हैं जो हमें रास्ता ढूंढने में मदद देती है। हम जिन्हें अपनी बज़ाहिर बीनाई पर बहुत नाज होता है, बाज़ वक्त वो नाज इस कदर बढ़ जाता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये तीन शख्सियात वो कुछ देखती हैं जो हम देख नहीं पाते। आज का प्रोग्राम आप अपने दिल की आंखों से देखिए, क्योंकि ये तीनों दिल वाले हैं, दिल से बात करते हैं, और कहते हैं दिल से जो बात की जाती है वो दिल तक ही पहुंचती है, वरना जुबान से कही हुई बात तो कानों का मैल बन जाया करती है। मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की ये मुलाकातें आपकी जिंदगी की बेहतरीन मुलाकातों में से एक होंगी। हम देखेंगे। आप अपनी प्रेजेंटेशन को इस स्ट्रक्चर पर रखें और याद रखें एक बात मैंने आपसे पहले भी कहा था, ट्राई टू गिव योर वर्जन, गेट अक्रॉस योर मैसेज सक्सेसफुली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आपकी क्लास की खास बात थी कि जो कुछ आप कह रहे थे वो आप डिस्प्ले कर रहे थे, साथ साथ करके बता रहे थे आप, और बहुत ही सटल। आपकी क्लास एक वारदात की तरह है जो बंदे के साथ गुजर जाती है, ऐसे ही? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो टीचर है, जो हमारा उस्ताद है, बातें बोर्ड से ज़्यादा या स्लाइड से ज़्यादा उसके मुँह से निकले तो अच्छी लगती है। आज का टीचर खामोश है और स्लाइड्स बोलती हैं। ठीक, टीचर को बोलना चाहिए। जब आप बच्चों के साथ मिलके मिक्सअप होके करते हैं तो उनकी आपकी बात उन्हें समझ भी आती है, तो ये कोशिश होती है। देखिए, क्लास में और कब्रिस्तान में फ़र्क होता है, मैं बस वो फ़र्क रखना चाहता हूँ। आप वो क्या क्या देख लेते हैं जो मैं देख नहीं पाता या मेरे जैसे लोगों को नज़र नहीं आता? देखिए, मैं लोगों को सुन के नतीजे निकालता हूँ। कुछ अंदाजे रह जाते हैं और कुछ नतीजे निकल आते हैं। हमारे एक दोस्त ने कहते हैं, यार तुम्हें पता है मैं बड़ा खूबसूरत आदमी, और ये बात मैंने अपनी बेगम से भी की। मैंने कहा, देखो, मैं खूबसूरती देखनी नहीं है, मैंने तो खूबसूरती सुननी है। मुझे लहजे में खूबसूरती सुनाओ। और मैं बाज़ूकात कोई मुझसे मिलता है, और मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों से, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं, जब कोई फ़ोन पे किसी से बात होती है तो, या कोई सामने आके मिलता है, तो मैं उसके लहजे से कोशिश करता हूँ ये जानूँ कि ये खुश है या ये परेशान है। तो चूँकि मुझे लिसनिंग स्किल अपनी बेहतर रखनी होती है, तो ये जो सुनी हुई खूबसूरती होती है ना नूर भाई जी, ये बड़ी अहम होती है। इसकी उम्र लंबी होती है। इसकी उम्र लंबी होती है? इसकी उम्र लंबी होती है। ये आपके अंदर रहती है। अगर मैं ये पूछूं, और मैं माजरत भी चाहूं, लेकिन मेरा दिल है कि आज ये पता लगे कि जब आपको ये पता लगा कि बज़ाहिर बीनाई जो है जी, ये आप देख नहीं सकते, तो ये कब आपको पता लग गया था? देखिए, मैं जब 2-3 साल की उम्र में था, तो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये सुनना शुरू कर दिया था घर वालों के से के मुँह से कि मैं देख नहीं सकता। तो उस वक्त तो डॉक्टर टू डॉक्टर, डोर टू डोर, जाहिर है पेरेंट्स की अपनी परेशानी होती है, नेचुरल है ना, होती है। ठीक, उस वक्त तो समझ नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है शायद। मैं अब ये सोचता हूँ कि अगर उस वक्त ऐसा ना होता, मैं बिल्कुल ठीक होता, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने जो आज मुकाम दिया है वो ना हम ना जब हमें पता होता है ना कि एक चीज़ है जो नहीं है और फिर भी हमने आपको अपने आप को मनवाना है, तो फिर हम जल्दी चलते हैं, तेज़ चलते हैं। इसने मेरा सफ़र तेज़ कर दिया। और एक मैं आपको एक और बात बताऊं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जुमले मेरे कानों से दूर जाते रहे कि ये देख नहीं सकता, बल्कि फिर तो मैंने ये भी सुना कि ये दिखा सकता है। वाह वाह। आप अभी जब हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे हैं आप बचपन में ही तकिए रख के आप पढ़ाया करते थे और बातें किया करते थे। अगर मैं भी फौरन आपसे पूछूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है,
तो क्या है क्वालिफिकेशन? जैसे मैं BA सेकंड डिवीजन हूँ, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? अल्लाह ताला से डरते हुए और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, PhD मेरा डॉक्टरेट चल रहा है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में? जी। अच्छा जी, और ये सब आपने खुद चॉइस किया अपना सब्जेक्ट? देखिए, मैं एक दोस्त से कहता होता हूँ कि हम अपने फैसलों की प्रोडक्ट हैं। हम अपनी जजाएं और अपनी सजाएं खुद तजवीज़ करते हैं, खुद चूज़ करते हैं। तो ये मेरा अपना फ़ैसला था। मैं अब तक जो यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे वालदैन का साथ, उनकी कंपनी, मेरे बहुत करीबी दोस्तों का, दोस्त बड़े काम आते हैं। आपको कोई थपकी देने वाला भी होना चाहिए, थापी होनी चाहिए, थापी, कोई 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 कंधा होना चाहिए, कोई आपकी हंसी में हंस सके, बाजूकात कोई का किसकी आप कामयाबी बताएं, कोई ये भी आपसे कह सके कि यार तेरे को काम तो होया नहीं, बाजूकात ये भी जरूरी होता है। क्या फैसले आप तक पहुंचते रहे या आप फैसलों तक पहुंचते रहे, तो क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत। मैं कभी कभी सोचता हूँ आपकी बातों को सुन के कि जिस तरह से मेहदी हसन गज़ल में ताक हैं, उनकी गज़लों पर प्रोग्राम होता है, तो कोई शो आपके सवालात पे होना चाहिए। जुतियां ला ले अगर यार, सवाल बहुत खूबसूरत। देखिए, मुझे लगता है फैसला हम तक पहुंचता है, हमें इशारे दिए जाते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, मसलन मुझे कभी ये इशारा नहीं दिया गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, मैं कोई सियासतदान बनूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये हिंट मुझे नहीं मिला। मुझे हिंट क्या, दो हिंट्स मुझे मिले नूर भाई बचपन से, जब मैं 7-8 साल की उम्र। एक हिंट मुझे मिला कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं तकिए रख के ऐसे ही पढ़ाता रहा, फैमिली मशहूर हो गया, बुंडे कोई कसर है, कला गला करता रहता है। ठीक। जब मैं देखता था टीचर्स पढ़ाते हैं समझाते हैं, मैं कोई ना एक हमारे सामने एक तकिया पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा अच्छा स्टूडेंट्स को ऐसे, मैंने उसे समझाना शुरू, मैंने कहा यार तू सारे तो वड्डा है, तू अकल कर यार घर थोड़ी, ठीक है। अब घर वाले कहते हैं क्या, एक तो मुझे इशारा ये मिल गया कि मैंने पढ़ाना है, मुझे लोग कहते हैं आपने CSS नहीं किए, मैंने कहा अगर इशारा मिलता, अगर मैसेज मिलता तो मैं उसको पढ़ के वो कर लेता। कैसे मिलता है ये इशारा? दूसरा इशारा मुझे मिला, इलेक्शन थे उन दिनों में ना, एक डंडा इतना बड़ा, एक स्टिक सी लेके ना, तो उसको सामने रख के मैं बोलता रहा। हमारे उधर मोहल्ले में दूध की गाड़ी आया करती थी और उसके पास माइक होता था। अच्छा जी, की आवाज़ लगता थी वो माइक से, कहना सी दूध की गाड़ी पहुंच चुकी है, जिसने दूध लेना है डोल लेके आ जाए, अच्छा दूध है, अच्छा दूध है, अच्छी चाय बनेगी, मुझे बड़ा याद आता था। और एक बंदा सब्जी बेचने आता था, वो कहता था गंडे लो, थोम लो, टींडे लो, टमाटर लो, सारे आ जाओ। अब ये जो चीज़ें थी, ये तो है तो कम्युनिकेशन ना, ठीक। मैंने ऐसे ही माइक सामने रख के, स्टिक जो आप कह रहे हैं, स्टिक, हाँ वो मैंने रख के, मैंने एक बंदे से कहा यार इतना कोई पत्री जी ला के मैं माइक बना दे। अच्छा। कहना यार ये तो फनकारा को होता है, कंपे तू की करना है। मैंने वो सामने रख के बोला, मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, तुसी भी ठीक हो? फिर मैंने अपने चाचा को कैसेट भर के भेज लिया। अच्छा, रिकॉर्ड किया था? रिकॉर्ड करके। अच्छा। तुसी सारे ठीक हो, आप बच्चों को सलाम, बड़े कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, आप सारे लोग ठीक है, मुझे आप की बड़ी याद आती है। तो उन्होंने मैंने कहना यार जो तू कैसेट भर के भेजना है दर्दनाक होंगी, मैं कहनी ऐसा खेल भी दी तो नहीं होंगी दर्दनाक। तो एक इशारा वो था कि मैंने कुछ बोलना है, शायद मैं ज़बान से, शायद कुदरत मुझसे कुछ काम ले ले। एक क्रिकेट प्लेयर है ना तो उसके हाथों से काम, एक ड्राइवर है। आपको लगा कि आपकी जुबान जो है वो उससे? मुझे लगा कि मेरा, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप कुछ और क्यों नहीं बने, मैंने कहा नहीं, अगर मैसेज मिलता तो बन जाता। जब ये दो इशारे मिलते और ये मिलते रहे, पहाड़ियाँ लगनी, तो मैंने कहा यार नहीं अनाउंस मैं करना है अनाउंस। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जब इशारे तो उसको अच्छे मिले जिसका रिसीवर बहुत अच्छा हो, कुछ लोग ज़िंदगी में ये सोचते ही रहते हैं कि उन्होंने क्या करना है, वो कहने नहीं सामते, कुछ पता ही नहीं लगा, ये कितना अच्छा आप रिसीव कर सकते हैं इशारे को कि कोई आपसे कुछ कह रहा है? मैं आपको बताऊँ कि मेरा ये ख्याल है कि ये जो ख्यालात की अपनी ज़बान होती है, थाट्स हैव देयर ओन लैंग्वेज, इनका अपना सिंटैक्स है, अपने लफ्ज़ हैं इनके। मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि जो ख्याल बार बार आए और आपकी कैपेसिटी में भी हो, आपकी पैरामीटर्स में भी हो, समझे वो ख्याल आपका फ्यूचर है। ओके। वो ये जो ख्यालात होते हैं ना, हमें छांटी करना चाहिए कि कौन से बार बार आते हैं, और अच्छे ख्याल की ये खूबी होती है कि वो नॉक करता चला जाता है, फिर आपको उसे वापस लाना पड़ता है। ख्याल आया, उसने दस्तक दी, वो चला गया, फिर आप उसको वापस आप लेके आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने ऐसे ही सीखा है,
मैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, अब मुझे लोग कहते हैं आप लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेजेस पे आप काम कर रहे हैं, उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज लोगों के लहजे, तो मैं ये सोचता हूँ बचपन में मेरी अपनी बहनों से लड़ाई ये हुआ करती थी जब मैं पानी मांगता था तो मैं कहता था, कहती है फाड़ पानी, बहनों में होता है ना आपस में प्यार होता है लाड होता है, मैं कहते नहीं मैं पानी नहीं पीना, कहती दे दे देता है, मैं कहती ले जा रही ठीक तेरा। वाह वाह। अब ये उस वक्त की बात है जब मुझे ये पता ही नहीं होता था ले जा क्या है। अच्छा एक बात और है जी, आपकी जिंदगी का एक और मोड़ जी और एक और इम्तिहान जिसे आप अपॉर्चुनिटी कहते हैं जी, वो ये कि आपकी दोनों किडनी जो हैं जी वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया और आपकी हमशीरा ने अपना गुर्दा जो है वो आपको दिया जी, और वो ट्रांसप्लांट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और आप माशाल्लाह मेरे सामने मौजूद हैं। जाबिर हुसैन आप क्या है यार, ये आपको दर्शक नहीं लगता, ये लोग ऐसी चीज़ें सुन के घबरा जाते हैं, फिर आपकी जब खबर लेने आए उन्होंने किताबों में, आप बल्कि उस रोज़ कह रहे थे कि हमें आयादत भी नहीं करनी सही तरह से आती, वो भी कुछ बताएं ये वाला तजर्बा कैसे था। अच्छा जब किडनी का हुआ तो बड़ा मसला हुआ, मैं बड़ा खुश था उस वक्त, लोग मेरे साथ हर दिनों में मशहूर भी हो गया था ज़रा अपने ख़ानदान में, सारे आके मेरे साथ तस्वीरें भी उतरवाते थे, बताते नहीं थे लेकिन उन्हें लगता था इन्हें मर जाना है। ठीक है जी, जब ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने कहा जी हम आपको थिएटर में लेके जा रहे हैं तो सारे मिलने आए, कोई कुछ अच्छा बाज़ औक़ात होते ना हम जाते हुए कहते हैं अच्छा फिर मुलाकात होगी सी यू, अच्छा लोगों से ज़्यादा मुझे डर था जब सारे मिल के जा रहे थे तो कहते हैं अच्छा फिर, अच्छा फिर, मैंने कहा अच्छा फिर अल्लाह। अच्छा मुख्तलिफ लोग कानों में आके ना मुख्तलिफ बातें कर रहे थे और जा रहे थे, डॉक्टर ने कहा 2 घंटे बाद हमने ऑपरेट करना है किडनी फेलियर, और ये अल्लाह ताला मेरी सिस्टर 2 जिंदगियां जी रही है, ये जुमला मैंने बार बार कहना है जहाँ भी मेरे पास माइक आएगा, ये कहा भी है और कहना, वो 2 जिंदगियां जी रही है मेरी, यहाँ भी है जी रही है और अपने पास भी जी। अल्लाह तो मेरे कान में मुख्तलिफ लोग आके तो सारे मैंने सोचा शायद कोई ये कहे कि अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, घबराए ना हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह यू विल रिकवर, सारे कान में आके कहते थे अच्छा फिर, मैं भी आके तो कह देता अच्छा फिर। एक बंदा आया कहने लगा कि बुरा ना मनाना, मैं कह जी ना इंज ही होंदा है, मैं कह जी जी इंज ही होंदा है, कोई नहीं वो मेरी ना US भी थोड़े को पई है वो घर कह जाओ जे दे खातून नहीं कहती अच्छा बेटा मेरा भी गल सुनना इधर, मैं कह जी पंजाबी में आपको पता है कि खालों से जो हमारी खालाएं होती हैं नानियाँ दादी उनसे पंजाबी में गुफ्तगू, मज़े मासियाँ फुफियाँ पंजाबी में गुफ्तगू, मुझे कहते पुत्र गल ये चलो चली दा मेला है हैं ठीक ते इत्थे कोई भी नहीं है ना पैगंबर वली पीर फकीर कोई रहा है, मैं कह जी मेरी इतला तक तो कोई नहीं रहा। हाँ शाबाश बहुत नॉलेज है तेरे को बहुत नॉलेज है, कोई गया इतों कोई रहा है वेखना मेरी दादी सी फ्रॉम मैं कि उन्होंने प्यार कोई रही है इतने, हाँ वेखे ना शाबाश ए गल तो की सियाने वाली गल पुत्र नहीं है वेखना वो कदी ना कदी मेरी इस वेले उम्र हो गई कोई 60 साल तो खरे कदी ना कदी मैं भी नहीं रहना तो कल तू भी नहीं रहना क्यों फिर मैं। अच्छा मैंने सोचा ही अपने आप को कदी ना कदी कह रही है और मुझे कल पे ही डाल रही है कि कल इसलिए नहीं रहना मैंने कहा जी हाँ समझ गया बस बस पुत्र तेन दसन का मकसद ऐसी शेर बन शेर। अच्छा अपने सारी बात करके आखिरी जुमला बड़ा दिलचस्प था शेर, उस वक्त इलेक्शन भी नहीं थे करीब कि मैं शेर बनता या जो भी खैर शेर बन शेर, तो मैंने देखा कि हमें तो हौसला भी नहीं देना था, मुझे वो सारे लोगों के अच्छा फिर याद हैं, वो अल्लाह ताला का करम हुआ जब मैं ठीक हुआ, अब वो लोग मुझसे मिलते हैं अक्सर तो मैं उनसे पूछता हूँ कहते नहीं बस डर गए थे हम लोग जो भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं आपको बताऊँ कि मैंने वहाँ से ध्यान का ज्ञान पाया कि ध्यान क्या होता है, जब डायलिसिस की सुई लगती थी यहाँ पर टेक्नीशियन कहता था दर्द तो नहीं हुई, मैंने कहा नहीं, कहता आप अजीब है दर्द क्यों नहीं, मैंने कहा मैंने अपना ध्यान ही बटा लिया है, मैं ध्यान उसकी तरफ ले गया हूँ जिसने जो इंसान को शिफा देता है। इतनी छोटी सी बैठक है हमारी तो कैसे हम कलाम होते हैं हमें भी बताएं ना, मजमे में तन्हाई वो क्या शेर है आपने सुना, आप जैसे लोगों से सुना है कि गुफ्तगू किसी से हो ध्यान तेरा रहता है टूट टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। मेरी बेजी ने ये सिखाया था, वो अक्सर कहती थी जब परेशान होती थी ना तो कहती थी आज मैं अल्लाह नाल 2 गल्लां कर लिया, तो
फिर जब मैं छोटा हूँ तो मैंने सोचा अच्छा इसका मतलब बातें की जा सकती हैं। चलिए मैं अगर ऐसे कहूँ कि वज़ीर आज़म और काबीना आपको भी सुन रहे हों और आप इस तसव्वुर की ताकत की अगर आप बात कर रहे हो और इमेजिनेशन की, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं कोई बात समझाने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक मैसेज है, मैं हाथ जोड़ के इस वक्त के जो और जो पहले भी आए और जिन्होंने आना है उनसे ये कहूँगा कि खलकते खुदा तकलीफ में है इस वक्त। क्या शेर मुझे याद आ गया कि जो बूढ़ा धूप में दिन भर हिना तकसीम करता है, हथेली उसकी बेटी की हमेशा खाली रहती है। जाबिर भाई आपसे मिलना तो क्या कहूँ मैं हर बार आपसे मिलता हूँ और मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ, और हर मुलाकात के बाद मुझे लगता है मैं आपको नहीं जानता। बढ़िया परतें ने ताड़ियाँ बड़ी लेयर्स ने, और आप दुआ करें कि आप आपकी सोबत हमें मैसर रहे। जो बात ज़ुबान से की जाती है वो तो कान का मैल बन जाती है, लेकिन जो बात दिल से की जाती है वो दिल तक पहुंचती है। जाबिर हुसैन दिल से बात करते हैं सो दिल तक पहुंच जाती है। जूदेबाज देर हो सर, थैंक यू सो मच। वैसे अगर जो लोग आज आपसे पहली बार मिल रहे हैं और मैं अगर उनके बिहाफ पे आपसे ये पूछूं कि आप कौन हैं तो क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब ये होगा कि मेरा नाम शहबाज बलोच है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं जो बेसिकली लोगों के लिए काम करता है, और एक ऐसा शख्स जिसने अपना सफ़र स्टार्ट किया फ्रॉम साइट टू विजन, और अभी उस सफ़र को मैंने जारी रखा हुआ है। और उसकी लाइफ में एक कुछ फियर्स भी आए जिसमें फियर ऑफ वाटर भी था, फियर ऑफ हाइट भी था, फियर ऑफ डार्कनेस भी था, और उसका ये सफ़र इन तीनों फियर्स को ख़त्म करने में जारी है। और वो सफ़र ऐसे ख़त्म होगा कि जब मैं एज ए पर्सन और एज ए ह्यूमन बीइंग लोगों के लिए काम करूँगा और लोगों के लिए जीऊँगा लोगों की। अच्छा, एक आपकी ज़िंदगी में आप नेवी में हैं, एक हादसा होता है और आपकी बिनाई चली जाती है, ऐसा ही? जी। और उसका कोई इलाज नहीं है बज़ाहिर? ऑब्वियसली। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो हम में से किसी भी शख्स को जब छोटी सी चोट लगती है या कोई हादसा होता है तो लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं और डिप्रेसिव मोड में, बट जो लोग आपको मिलते हैं शाह साहब या मैं आपसे मिलता हूँ, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं आपके स्पिरिट और हौसला देख के। व्हाट आर यू मेड ऑफ? एक्चुअली वो एक शेर है ना जो मैं अक्सर इस मौके पर करता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान किसी मैदान जंग में या सिपाही जाता है, अगर वो ज़ख्मी हो जाता है तो उसके लिए वो जंग ख़त्म नहीं हो जाती, असल में उस जंग का वो स्टार्ट होता है। तो जब मेरे साथ भी ये आया, इस तरह का एक अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ, तो अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस वक्त के लिए ट्रेन किया हुआ है, और उसी वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जो बहादुरी होती है और जो ये करेज होती है ये किस चीज़ का नाम है, अल्लाह ताला के होने का एहसास कब होगा। तो इन्हीं सिचुएशंस में आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं और अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं। जिसको आप साइट टू विजन कहते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने बरस आपने पहले देखा और फिर अब कितने बरस से अब आप क्या देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? देखें, इस इंसिडेंट से पहले मैं समझता था कि लाइफ जो है ना यही इसी का नाम लाइफ है, और रंग था, ज़िंदगी के रंग थे, सारा कुछ था, और एज इफ़ के लाइफ जो है बस इस दुनिया में आने का नाम है, जीने का नाम है और चले जाने का नाम है। लेकिन जब इस इंसिडेंट के बाद मुझे जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि लाइफ दूसरों के लिए जीने का नाम है। बस अब इस हादसे से पहले आप क्या क्या कुछ कर चुके थे, क्या क्या अचीव कर लिया था आपने? इस हादसे से पहले मुझे बचपन से ही पायलट बनने का शौक़ था, और वो चीज़ मेरे लिए एक ड्रीम थी, और मैं बड़ा मुझे पैशन था कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा, और जो एक हर बच्चे का ड्रीम होता है। तो अल्लाह ताला वाज काइंड इनफ, उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं एक प्रोफेशनल कॉम्बैट पायलट बन गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस हादसे के बाद अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई और बेहतरीन चीज़ रखी है,
اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سائٹ تو لے لی اس حادثے کے بعد، لیکن جو اس کے بدلے میں مجھے ویژن دے دیا تو میں اس کا احسان مان لوں. جو لوگ آپ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں، بالکل یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جیسے آپ جو جس کو ہم سو کالڈ بینائی کہتے ہیں، وہ آپ تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ تو یہ کئی بار ایسے ہوا. میں ریسنٹلی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کا ایک لیکچر بھی اٹینڈ کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اسمبلی فاؤنڈیشن میں، تو وہاں بھی آپ یو ور سو گڈ اور آپ نے اتنا اعلیٰ مارک کیا سب میں سے کہ وہ ہم تو حیران تھے. تو ایک دن میں بس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں، آئی کین ڈو اٹ. یہ جو آئی کین ڈو اٹ والا مسئلہ دماغ میں گھسا ہوا ہے، یہ ہمیشہ مجھے ڈرائیو کرتا ہے. میں نے باسکٹ بال پکڑی، میں باسکٹ بال کورٹ میں چلا گیا. اب جب وہاں جا کے میں نے ساتھ اپنے جو لڑکا تھا اس سے میں نے کہا باسکٹ کدھر ہے، تو میں نے لگانا شروع کی، تو میں نے کہا یار 10 ماروں گا تو پہلے 10 میں سے 8 لگتی تھی جب میں پلیئر پریکٹس کرتا تھا، 10 میں سے اگر ایک بھی لگ گئی تو میرے لیے وہ ٹرافی ہے، اور یقین کریں 10 میں سے 5 لگ گئے. ارے واہ، زندہ باد. اور وہ جو لڑکا تھا اور دوسرے 2-3 لوگ جمع ہو گئے، تو انہوں نے کہا یار یہ فراڈ کر رہے ہیں، اس کو سب نظر. اچھا پھر جب یہ آپ یہ کہتے ہیں جس کو آپ اپرچونیٹی دیکھ رہے ہیں یا جس کو آپ ویژن کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا کیا کر لیا؟ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر، آپ کے تو سرٹیفکیٹس اور چیزیں اور اچیومنٹس جو ہیں، میرے جیسے کا تو اللہ معاف کرے دل ہی بیٹھ جاتا ہے کہ یار دل نہیں بیٹھنا چاہیے آپ کو اس کے لیے، بلکہ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے آپ کو. موٹیویٹ کر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہر بندے کے ایسے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، مطلب ہر بندہ کیا ہر کام کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ تو دیکھیں ٹریگر کرنے والی بات ہے انسان کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے. اب ایز اے سواٹ انالیسس، آپ نے اپنی کیپیبلٹی کو پہچاننا ہے، اپنی کوالٹی کو پہچاننا ہے. ٹھیک، وہ جب آپ پہچان جائیں گے ایٹ دیٹ مومنٹ، اسی دن آپ کی وہ جو کوالٹی ہے وہ ٹریگر ہو جائے گی. یہ ساری جتنی بھی سرٹیفکیشنز اور یہ گولڈ میڈل تھے، یہ جب میں آفٹر دس انسیڈنٹ جب میں بلائنڈ ہوا، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ ابھی لائف از ویری شارٹ اور ٹائم از ویری امپورٹنٹ. ٹائم کی افادیت کا مجھے پتہ چلا، تو اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ آف ود دس دیز کیپیسٹی بلڈنگ تھنگ، کہ کیا میں نے گولڈ میڈل بھی لیا، امیریکن سرٹیفکیشن کی، یو کے ایس سرٹیفکیشن کی، پھر میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی سرٹیفکیشن کی، لامسکی کی، اور الحمد آئی ایم دی فرسٹ ویژولی امپیئرڈ ان دی ورلڈ فرام پاکستان، جس کے پاس یہ ساری سرٹیفکیشن ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے کیا، لوگوں کو تو پھر بھی کچھ نہیں دیا. دین آئی اسٹارٹیڈ آف ود دی ڈفرنٹ چیریٹی پروجیکٹس ایز اے سوشل انٹرپرینیور. سردی میں ابھی بھی آپ کا میسج آیا ہوا تھا کہ وہ لوگ جن کے پاس لحاف یا وہ نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، کیسے انیشیٹ کرتے ہیں سب چیزیں؟ میں چونکہ اس کو میں ٹیکنیکلی بھی لے کے چلتا ہوں، بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، میں ہر پروجیکٹ کو ایک اس کا چارٹر بناتا ہوں، اس کا میں اسکوپ اس کا اسکوپ مینجمنٹ پلان بناتا ہوں، پھر اس کی پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان، رسک میں سارا جتنے بھی پورا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہے اس پروجیکٹ کا، وہ میں بنا کے اس کے بعد پھر میں تھرو کراؤڈ فنڈنگ، اور الحمد للہ پاکستان میں بڑے دیر آل پیپل جو کرتے ہیں چیریٹی کرتے ہیں، ان کو میں میسج کرتا ہوں کہ جی یہ پروجیکٹ ہے، دس از لائک دس، اس کی پری ویریفیکیشن کرتا ہوں، پوسٹ ویلیو، اور اس کا پورا ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم بنا کے پھر ان کو شیئر کرتا ہوں، اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ، گول سیٹ کیا، پروجیکٹ کیا، آگے بڑھا ابھی کر لیتے ہیں. جی، جو لوگ آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں، جی، اگر ان کے بہا پہ میں آپ سے پوچھوں کہ مایوسی، ہم کہتے ہیں کفر ہے، جی، آپ کے لیے مایوسی کیا ہے؟ میرے لیے مایوسی جسے کہیں ایک وہ اسٹیٹ ہے جس کو آپ تھوڑی دیر سے زیادہ انٹرٹین نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو موو اہیڈ. نہیں، اب یہ بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن اب وہ آپ نے کہا وہ تفلی کیا جو وہ گھٹنوں، لیکن سوال یہ کہ میں کہوں نہیں، میں تو تھک کے چور ہو گیا ہوں، میں نے کوشش جب بھی کی ہے، زمانہ ہی میرے خلاف ہے، ہوا ہی میرے خلاف چل رہی ہے، کوئی سازش بھی ہے، تو میں اس میں سے اس سب کو جھاڑ کے کیسے نکلوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، جب ایز اے پائلٹ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے جہاز پہ اگر ہیڈ ونڈ پڑے گی تو آپ کا جہاز جلدی اونچائی کی بلندیوں پہ جائے گا. ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ جب آپ کو اپوزیشن ملے گی، آپ کو ڈی موٹیویٹرز ملیں گے، تو آپ کے لیے وہ ایک نعمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ آپ کو آپ کی کمزوری بتائیں گے. جب آپ کو آپ کی کمزوری بتائیں گے تو آپ اپنی کمزوری کو پہچانیں گے، اور پھر آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ میں تبدیل کریں گے. کہ آپ اپنی جو ہمارے اب ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے، ہماری یوتھ کے پاس، ہمارے یوتھ کے پاس ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے. اب دیکھیں ہماری یوتھ کیا کرتی ہے، ویلنگ کرتی ہے،
उस दिन यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, वो बच्चा, उसकी डेथ हो गई। मैं कहता हूँ कि व्हीलिंग कर रहे हो, गो ऑन द सर्किट, ठीक है, एक अपने आप को फार्मूला वन में लेके जाओ, जहाँ स्पीड करनी है वहाँ करो, नहर में नहाने की बजाय ओलंपिक्स के लिए तैयार हो, ठीक है, स्विमिंग के लिए जाओ, लड़ने का शौक़ है तो बॉक्सिंग में आओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप, और ये अगर आपके पास अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, सारा कुछ है, क्यों अपने आप को वेस्टिंग योर एनर्जी। आपको ये लगता है कि सरकार का भी ये काम है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ दे, टैलेंट है उनको चैनलाइज करे? ऑब्वियसली दिस इज़ अ टू वे थिंग, इट्स नॉट अ वन वे थिंग, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिसअपॉइंट हो जाएं और आप हाथ पे हाथ रखें। इट मीन्स योर हंगर इज़ और योर गोल इज़ नॉट इनफ। आप अपने, आपका गोल ही, फिर इसका मतलब गोल नहीं है, वो तो एक टास्क है। अगर आपको चाहत नहीं है बुलंदी पर पहुँचने की, तो फिर आप किस दिन पहुँचेंगे? इस फ्यूल ही नहीं है आपके अंदर, पैशन नहीं है। जो पैशन होता है वो फ्यूल होता है आपका। लेकिन ये जो एक्सीडेंट और हादसा या इम्तिहान है, उसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश की जा सकती है? आपके सामने बैठी हुई अपॉर्चुनिटी। आई मीन एज ए केस स्टडी, जब मैं जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं बैठा हुआ था उसमें ICU में, तो देर वॉज डार्कनेस एवरीवेयर। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार अब जो होना था सो हो गया, अब इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, दिस इज़ द टाइम टू मूव अहेड। कितनी देर में सोच लिया था आपने ये? नॉट मोर देन 5 मिनट्स। नॉट मोर देन 5 मिनट्स, दैट्स ऑल, क्योंकि मैंने इसको ज़रा टाइम नहीं देना था। उसकी रीज़न है क्योंकि आप जितना जल्दी इस चीज़ से निकलेंगे, आप एक घंटा लेंगे, इट मीन्स अगला घंटा भी उसके साथ कोरिलेट। जस्ट टेक डिसीजन। जिस तरह हमें एज ए पायलट, हमें एमरजेंसीज में हमें सिखाया गया कि जब आपका इंजन डाउन हो जाता है तो यू हैव अबाउट ओनली 3 to 5 seconds टू मेक अ डिसीजन। तो यही ट्रेनिंग भी मेरे काम आई, और ये डिसीजन मेकिंग। और सबसे बड़ी बात, आप अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल कब करते हैं, किन सिचुएशन में? यही वो मौके होते हैं, उस पर भरोसा और उस पर यकीन यहीं से साबित होता है। ऑब्वियसली और कौन सी जगह हो सकती है, और कौन सी, जब आप हैप्पी होते हैं उसमें तो इंसान कभी अल्लाह को याद नहीं, भूल जाता है। हमें सिंपथाइज करना आता है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हमें वी आर नॉट एक्चुअली सिंपथाइजिंग इट, एक्चुअली हमें सिंपथाइज भी नहीं करना चाहिए, हमें एम्पथाइज करना चाहिए। एम्पथाइज करना चाहिए। जब आप एम्पथाइज करते हैं तो फिर आप इस तरह के जेस्चर्स नहीं देते, ओ बड़ा अफसोस हुआ जी, बड़ा दुख हुआ तुहानू वेख के। तो ये जो चीज़ें हैं, वी नीड टू लर्न एज ए नेशन और एज ए आवर कल्चर, की हमारे कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी क्या कहना चाहिए हमें, अगर आप, मैं आपसे पूछूं और आपसे रहनुमाई और तरबियत चाहूं कि हमें अगर वो सिंपथी से एम्पथी का सफ़र करना है तो क्या होना चाहिए हमारा अंदाज़े बयान या गुफ्तगू? मेरे वालिद ने जिस तरह आगे कहा एज एम्पथी, ओ यार कोई मसला नहीं, क्या ये तो होता रहता है मर्दों के साथ, खत्म हो गई बात उधर ही। तो उसी टाइम पे मैंने एक स्प्राइट बनाई, एक ड्रिंक बनाई, मैंने कहा जी मैं पीता हूँ, मेरा दिल थोड़ा सा कर। तो जब मैंने वो सिप पिया उस ड्रिंक का, तो उसको मैं अपनी लाइफ में सिप ऑफ लाइफ कहता हूँ। उसने मेरे अंदर एनर्जी भर दी। अब आप इमेजिन करें, इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में मैंने वो काम किया जो मुझे अच्छा लगता था, जिससे मुझे एनर्जी मिलती थी। बिल्कुल ठीक। तो दिस इज ट्रिक ऑफ द ट्रेड। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, छोटे प्रॉब्लम आए, आप ये समझते हैं कि मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, लुक अराउंड, आस पास देखें। गुस्सा आता है आपको? जी हाँ बिल्कुल। किस बात पे सबसे ज़्यादा? गलत चीज़ पे और गलत झूठ पे और गलत काम पे। कोई अगर कमिटमेंट से पीछे हट जाए तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि और वो भी इस बात पे कि अगर इन चीज़ों पे हमें गुस्सा नहीं आएगा तो जिन चीज़ों पे नहीं गुस्सा आना चाहिए उन पे हम आजकल गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा जी, शादी का क्या है मंसूबा? अभी तक इसके बारे में फ्रेंकली कुछ सोचा नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। और तो अगर किसी और ने सोच लिया इस बारे में तो वो क्या करे आपसे, कैसे रहा? मैं वैसे, मुझे ख्याल आया कि वो क्या कहते थे जुनेद जमशेद साहब, अल्लाह ताला करवट करवट जन नसीब करे, उनका गीत था कि मेरा दिल नहीं अवेलेबल, कोई और दर कटाओ, अच्छा सा कोई दिल खरीदो, फिर उससे भी दामन छुड़ाओ। जी तो ऐसा तो नहीं कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अगर किसी को होगा तो रब्ता कर लेगा, फिर यही है। इमरान खान साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक छोटी सी बात, कोई पैगाम आपकी तरफ से? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनका जो विजन है दैट इज़ रियली पॉजिटिव, एंड बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन एक दूसरे स्पोर्ट्समैन को समझ सकता है, उनका थोड़ा सा जो उनकी स्ट्रैटेजी है दैट इज़ वेरी गुड,
सलामत रहे जी, बहुत बस, अच्छा लगा आपसे बात करके आपके मैं वक्त बस कि एंड पे बात करूंगा जी, वो ये है कि जो हमेशा मैं करता हूँ कि इफ साइट इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट बट इफ योर विजन इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. God bless you, sir. Sir, thank you. लाहौर सेंटर की आवाज और आपके साथ हैं विशाल और मोहम्मद मोहसिन नवाज. मोहसिन भाई, आपकी ये खुश लिबासी जो है, मैंने कभी भी आपको नहीं देखा कि आप एक हसीन तरीन स्मार्ट बंदे ना लग रहे हो. इसका क्रेडिट किसको जाता है? इनको. भाभी को जाता है. जी, आपको जिस्मानी तौर पे क्या चैलेंजेस दरपेश थे जिंदगी में जब आप पले बड़े लड़कपन से, क्या क्या चीज़ें थी जिनका आपने सामना किया? कहानी हम सब की ज़िंदगी की एक कहानी है, तो मेरी ज़िंदगी की जो कहानी है उसका पहला चैप्टर 2 साल की एज में पोलियो की वजह से लेग्स इफ़ेक्ट हुई और 13 साल की एज में आई साइट का चैलेंज जो है वो आया. और मैं समझता हूँ कि उस चैप्टर का जो की जो एंडिंग है वो इस तरह से है कि जिसमें एक खातून ज़िंदगी में आती हैं, अम्मी से मेरे बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि आप दुआ क्यों नहीं करती कि अल्लाह इसे आपकी ज़िंदगी में वापस बुला ले, क्योंकि इसका सर्वाइवल तो बड़ा मुश्किल होगा. अपने अल्फाज में ये हुआ, ऐसे ये हुआ. और ये जो बात उन्होंने की, अब यहीं से आगे एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है जब मैंने अपने आप से मकालमा करना शुरू किया, जो मकालमा दरअसल एबिलिटी और डिसेबिलिटी के दरमियान मकालमा था. और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी का वो चैप्टर पढ़ा और आगे मेरे बारे में ना जान सके या डिस्कनेक्ट हो गए, तो कभी ना कभी शायद वो सोचते भी हों कि कहानी ने अगला मोड़ क्या लिया होगा. लेकिन कहानी निगार ने जो अगला चैप्टर लिखा वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लिखा. कितनी पढ़ाई की आपने, पढ़ा कितना? मास्टर्स तक, मास्टर्स उर्दू में. और मेरा उर्दू से शगफ जो है ये बचपन से ही रहा, लफ्ज़ के कबीले से, आपके कबीले से ताल्लुक, और उस लिहाज से फिर उर्दू में मुझे काफ़ी दिलचस्पी रही. जब आपने मुझे इन 2 चैलेंजेस का जिक्र किया 2 बरस की उम्र और 13 बरस की उम्र में, आप नाराज़ नहीं हुए अपने आप से या खुदा से, अगर एक गिला या शिकवा ये कभी रहा ये फेज, या आप इसमें से बहुत जल्दी निकल गए? हाँ, कुछ हुआ है जी. देखिए, मुझे जल्द ही ये इदराक हासिल हो गया कि जब मेरे पास ये चैलेंजेस हैं और मुझे डिफरेंट लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये जो डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है ये दरअसल एक अपॉर्चुनिटी होता है. डिफरेंट लाइफ स्टाइल एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अपॉर्चुनिटी होता है. और मैं अपने पाकिस्तानियों से ये भी कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात कभी आती हैं तो इनको ब्लेसिंग्स समझिए, क्योंकि ये जो मुश्किलात होती हैं ये तो हमें बड़ा मजबूत करने के लिए, बाद मुखालिफ तो हमें ऊंचा उड़ाने के लिए आती है. देखिए, हवा के तेज़ थपेड़े और तेज़ धूप ही तो गंदम के पौधे के अंदर दानों को पनपने का मौका देती है, फल मीठे होते हैं गर्मी से. एग्जैक्टली. जी, और कोकोन के अंदर से बटरफ्लाई निकलने की कोशिश करे और अगर आप उसका खोल तोड़ दें तो वो बटरफ्लाई जो है वो सरवाइव नहीं करेगी. मुश्किलात का यानी इंतज़ार ना करें, एहतमाम ना करें, लेकिन ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ज़िंदगी आपकी जो है उसमें मुश्किलात और ऐसे मराहिल आएंगे आपको मज़ीद पक्का पुख्ता करने के लिए. अच्छा, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये जब करने का वक्त आता है, जब इनको अप्लाई करने का वक्त आता है, तो ये इतना आसान तो नहीं होता. नूरुल हसन भाई, जुनून चाहिए, वो जुनून नहीं जिस तरह के जुनूनी हमारे माशरे में ज़्यादा पाए जाते हैं, बल्कि वो जुनून जो ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का हमारे अंदर एक शऊर पैदा करता है. राइट ब्रदर्स ने जब ये बात कही कि हम लोहा उड़ाएंगे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें इंसान भी उड़ रहे होंगे, तो जाहिर है दूसरे लोगों ने उनको ये तो नहीं कहा होगा कि हाँ हाँ तुम ऐसा कर लोगे, या अजीब तो लगा ना उन्हें. या एडिसन ने जब कहा होगा कि कांच के खोल से रोशनी की छुआएं फूटेंगी, तो मजाक ही उड़ा होगा.
तो उसके लिए डिटर्मिंड होना और इस बात से बेपरवाह हो के, लोगों की बातों से लाताल्लुक हो के अपने मिशन मकसद के लिए डटे रहें। भाई मुझे ये बताएं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपसे पूछूं, आपने मोहसिन भाई से क्यों की शादी? इसलिए कि ये जीते जागते इंसान हैं, इनको जो है जिंदा रहने का पूरा हक है, इन्हें अपनी भरपूर लाइफ गुजारने का पूरा हक है, तो क्यों नहीं। किसको किससे मोहब्बत हुई या दोनों को एक दूसरे से हो गई? ये अल्लाह ताला का करना था और अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा सबब बनाया और एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत डाल दी या अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री मैच हो गई और ये सब कुछ ऐसे ही लिखा था और ऐसे ही होना था। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब माशाल्लाह आपके बरखुरदारों से हम थोड़ी देर में मिलेंगे, नौजवान और ज़बरदस्त ऐसे गर्दन उठा के आप उधर देखते हैं, तो ये आपने इस बात को चैलेंज लिया और जो अभी मोहसिन भाई ने बात की कि लोगों की बातों से, तो आपने भी बहुत कुछ उस वक्त सुना होगा या कैसे लिया सबने इस फैसले को? जी बहुत कुछ, जब हमने कुछ हटके करना होता ना तो उसके लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है कुछ डिफरेंट करने के लिए, तो ज़ाहिर है कि एक स्ट्रगल थी और बहुत सारी मुखालफत थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब ठीक होता चला जाता है, वक्त पे छोड़ दिया और सब ठीक होता चला गया और मोहसिन की एक अच्छी लाइफ स्टार्ट हो गई। बस जेन में ये सोच थी कि अगर इनके पेरेंट्स ना हुए तो ऐसे शख्स का सर्वाइवल कैसे होगा मुआशरे में, तो किसी ना किसी की ज़रूरत तो है इनको, क्योंकि इनका कोई और भाई भी नहीं था जो इनको सपोर्ट करता, तो बस यही एक जज्बा था जो कि आज हमारा एक भरा पूरा आपने देखा है फैमिली है और बहुत अच्छी लाइफ हम गुजार रहे हैं। और हमारी शादी के बाद कोई 11 शादियां ऐसी हुई एग्जांपल है हमारी शादी के, जो मेल पर्सन ने फीमेल डिसेबल्स से शादियां की, तो ये अच्छी बात है कि एक थोड़ा सा ट्रेंड सेट हुआ। मोहसिन भाई, भाभी क्या है आपके लिए अगर पूछूं? मेरे लिए पूरा जहान है और मेरी ज़िंदगी में रोशनी और उम्मीद और एक ऐसा सूरज जो पूरी कायनात को मेरे लिए रोशन करके पेश करता है। अच्छा जी, जितनी जितनी जितना इनको ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स पे इदराक है, ये तो एक तलिस्म सा बरपा कर देते हैं। कोई बंदा 4-5 मिनट बैठता है तो वो तो इनका गर्विदा हो जाता है। ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है। तो वो देखें आप, इनका अक्स जो है फिर आगे इनके बच्चों में भी नज़र आता है, रोज़ बरोज़ तरक्की करना और बहुत अच्छे एक लेवल पे पहुंच जाना और अच्छा डेजिग्नेशन के साथ जॉब करना, तो इनकी ये सारी स्किल्स हैं जो कि इकट्ठा होकर इनको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। हाय नूर भाई, कितना मज़ा आ रहा है, देखें बेगम से पास बैठ के इतनी तारीफ कर आप दोनों से ये दरियाफ्त करूं कि एक पहले तो मोहसिन भाई घर क्या होता है कि ये बताएं, और एक कामयाब इज़दवाजी जिंदगी में क्या डूज एंड डोंट्स आप तजवीज़ कर सकें, एक सक्सेस स्टोरी आप इन तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद भी। मुझे कभी कभी लगता है कि हम ना शुक्रे हो जाते हैं, हमें अपने पास जो चीज़ें उनका एहसास नहीं होता, जो रिश्ते उनका एहसास नहीं होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें आप भी बताएं और भाभी आप भी। घर पुरसकून ऐसी फ़ज़ा का नाम कि जिसमें अगर सुकून ना हो तो फिर वो मकान बन के रह जाता है। जीवन साथी आपके लिए जो है वो कोई इस्लाह का रिश्ता नहीं है, ये कबूलियत का रिश्ता है। यानी हम जब एक दूसरे को हम दुरुस्त करने के रिश्ते और हैं, मसलन उस्ताद शागिर्द को दुरुस्त कर सकता है, बॉस अपने सबॉर्डिनेट को कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकता है चेंज होने की, या माँ बाप बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता इस्लाह का रिश्ता नहीं है। सो कबूलियत, इसीलिए तो कबूल है से आगाज़ होता है, तो कबूल करना और इनक्रेज करना, तबादला ख्याल करना, डिस्कस करना, सवाल पूछना, ख्यालात जानना और शेयरिंग केयरिंग, ये सब कुछ। ये शेयरिंग का लफ्ज़ आजकल सोशल मीडिया के लिए ज़रा ज़्यादा नहीं, अक्सर होता है ना कि हस्बैंड बहुत सी बातें छुपाते हैं अपनी बीवियों से और बीवियां भी बहुत सी बातें शेयर नहीं करती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते हैं, तो शेयरिंग इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन मोहसिन के साथ ये वाला रिश्ता भी मेरा प्योर है, मतलब हम दोनों में जो है इस रिश्ते में हमारे प्योरिटी है बहुत ज़्यादा। इसकी क्या कामयाबी की शेयरिंग? मोहसिन ने आज तक कभी कुछ हाइड नहीं किया और मैंने भी कुछ हाइड नहीं किया। एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला ना, ये आपके इंटरव्यू से पहले मुझे कह रही थी कि क्या ये मैं कह सकती हूँ, वो जुमला क्या था वो जो आप कह रही थी? कि मोहसिन जो है ना वो ऐसा होता है कि बाजू का ऐसा मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा
ये मेरी केयर करते हैं। तो रेडियो का प्रोग्राम हम दोनों कंबाइन करते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ और जॉब करने की ऐसी कभी मोहसिन की तरफ से ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इन्होंने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी जो है ना बकाया मैं जो है ना अदा करूँगा। रेडियो हमारा दोनों का शौक है। और 15 बरस हो गए आप दोनों? 15 बरस हो गए हम रेडियो शो करते हैं। हमारा रिकॉर्ड है प्रोग्राम का कि मुसलसल 15 सालों से हमारा ये प्रोग्राम जारी हो सारी है। हमारा दिन भी चेंज नहीं हुआ कभी इस प्रोग्राम। और ये जो है ये आप मैनेजमेंट से हमारे ताल्लुकात को भी जरा अंदाजा लगाएं। वो हमें छेड़ते नहीं है, वो कहते हैं ना छेड़ मलंगा नू। इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे तोहफे दिए, वो चंद ही लम्हे में आपसे उनकी मुलाकात कराते और तबीयत खुश हो जाती है ऐसे नौजवानों को देख के, और इनकी फिर तरबियत का क्या कमाल है वो भी अक्सर आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, फैमिली अब मुकम्मल है और अली अहमद अवान और सलमान अहमद अवान जो दो साहबजादे हैं मोहसिन और मारिया भाभी के, माशाल्लाह 19 बरस उम्र आपकी और 17 बरस ऐसे ही। अली, बाबा कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है आपके लिए? बाबा इतने सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या, हाउ डू यू सी हिम एज अ पर्सनालिटी? अक्सर समझा जाता है कि फादर और सन का जो रिलेशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी टफ है, मगर मेरे नज़दीक ये रिलेशन काफ़ी ईजी है क्योंकि मेरे फादर ने कभी भी मुझ पर डिसीजन इम्पोज नहीं किए। मैंने अपने फादर से किताब दोस्ती सीखी, इल्म दोस्ती सीखी, और मैंने उनसे ये भी सीखा कि नॉलेज जो है वो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो अपने तक नहीं रखनी चाहिए। और जो मैं लाइफ स्किल वीडियोस बनाता हूँ वो बेसिकली इनसे इंस्पायर होकर ही मैं बनाता हूँ, और क्योंकि जो एक अच्छा लीडर होता है वो एक अच्छा फादर भी होता है। सलमान, क्या कहोगे बाबू आप? मेरे फादर जो कि हमारे लिए और साथ साथ हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, एक क्वालिटी जो मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की अपने फादर के बारे में, ये काफ़ी कीन ऑब्ज़र्वर हैं और काफ़ी बारीक बीन हैं, यानी इंसानी नफ्सियात को जिस तरह जितने अच्छे तरीके से ये समझते हैं। और मैंने हमेशा देखा कि कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करनी हो या कोई भी चीज़ हो उसमें हमेशा इन डेप्थ वो उसको स्टडी करते हैं और हमेशा डेप्थ में जाके कि इसके पीछे क्या वजह है, और हमेशा वो बारीक बीन बहुत हैं और तह तक पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं। उसके साथ साथ हमेशा मैंने अपने फादर में ये बात बचपन से ही नोट की कि हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखते हैं। मौसम में इन दोनों जवानों से कितने खुश हैं आप, आप तो बताओ। सलमान ने जो बात की है ना, तो मुझे जहन में ये भी आ रहा था कि प्रोग्राम इख्तिताम के करीब है तो साया साया हो रहा था, तो साया खुदाए जुलजलाल यानी प्रोग्राम ख़त्म भी होने वाला है। अब बेहतरीन है, बेहतरीन है, कंप्लाइंस बहुत अच्छा है। मुझे कोई मौका ऐसा नहीं देते कि जिसमें मुझे ज़रूरत पड़े इनके साथ कोई सख्त बात कहने की। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बड़ी ख़ास इनायत है कि अल्फाज का असर इनके शऊर पर बहुत गहरा है, बड़े एहसास हैं और बात को बड़ी ही तवज्जो देते हैं। ये इनकी जो तरबियत में यकीनन आप दोनों का ही अमल दखल है, लेकिन ज़्यादा किसका? भाभी आप बताएंगी या मोहसिन भाई आप बताएंगे? भाभी इसके बारे में जब मैं कहती हूँ ना कि मोहसिन का, तो मोहसिन कहते हैं नहीं आपका। बल तुसी रले हो तो वो भी हम नहीं समझ पाए ज्यादा हाथ किसका है। यदि अब आप तो वो जेनी हम आंटी के वाले से बस में तारिक अजीज में जा सकते हैं। एक दूसरे को क्रेडिट देते रहते हैं। ठीक, मैं समझती हूँ मोहसिन का जो क्वालिटी टाइम देना है ना, और लड़कों के लिए जो वालिद की गाइडेंस होती है ना वो बहुत ज्यादा अहम होती है, और मुझे तो लगता है कि मोहसिन का हाथ है। नहीं, इनका पूरा पूरा हाथ है। असल में वहाँ जहाँ मैं विलिंग वेज में काम करता हूँ, तो वहाँ काउंसलिंग साइकोलॉजी के फील्ड में सारा दिन इतनी शानदार लर्निंग होती है कि वो सारी लर्निंग मैं इनसे आके डिस्कस करता हूँ, सवाल जवाब बातचीत। तो वो एक होता नहीं कि जैसे जो आप सीखते हैं तो फिर कुछ कुछ असर तो उसका नज़र भी आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो इस वक्त आपको देख रहा है या सुन रहा है, जी, अगर वो ज़िंदगी के किसी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और उसको लग रहा है कि ये मुश्किल कभी ख़त्म नहीं होगी, वो शायद कोई ज़हनी जिस्मानी आर्ज़ा किसी भी तर्ज़ का हो, आप उससे क्या कहेंगे इस वक्त? कोप मेयर एक फ़िलासफ़र थे, तो उन्होंने 6000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी और 1000 सक्सेस प्रिंसिपल्स पर मुश्तमिल एक किताब लिखी। तो एक जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने जाके उनसे कहा कि इतना लंबा चौड़ा काम पढ़ना तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, तो कोई एक बात बताइए जिससे लोग कामयाब हो जाएँ। तो उन्होंने कहा कि यूज़ प्रूवन सक्सेस मेथड्स। तो ये 4 लफ्ज़ उन्होंने बोले कि एक तो ये है कि हम औखे होते रहें, मुश्किल में पड़ते रहें और अपने अपने तजुर्बात के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन ये ज़रा देर लगेगी और मुश्किल से होगा। लेकिन अगर आप उन एक्सपर्ट्स को जान लें जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी और उनको फेस किया और फिर कामयाबी पाई, शुरू से ही जहन बना के कि मुश्किलात आएंगी, पार्ट ऑफ लाइफ है,
इसको फेस करने के लिए उन लोगों से बात करें, उन लोगों को जानें जिनके पास ये नुस्खा है कीमिया मौजूद है कि ज़िंदगी की मुश्किलात को डील कैसे किया जाता है। ये जनाब ये था आज का प्रोग्राम, और आप इसको देखें। और आज का प्रोग्राम मैंने आगाज़ में ही कहा था, ये इधर से देखें, और ये इधर से ही हमने किया, अपने दिल से आपके दिल तक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको आसानियाँ अता करें और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करें। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।